सलार कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है जिसकी हाइप को शाहरुख खान के क्लैश से कम किया जा सके। बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो लोग नहीं बता रहे। भले ही इस साल की बेस्ट मूवी डंकी होगी और 2023 बॉलीवुड में शाहरुख खान के नाम से याद रखा जाए, पर एक ऐसे डायरेक्टर और एक्टर को बिल्कुल साइड नहीं कर सकते। हाँ, प्रभास को लोग जो भी कहें, लेकिन इनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। RR के बाद अपने ओपनिंग डे में सबसे ज्यादा 215 करोड़ कमाने वाली फिल्म प्रभास की ही है और जवान नंबर 6 पर है 129 करोड़ की ओपनिंग करके। ये तो है प्रभास की बात। अब डायरेक्टर प्रशांत नील की इनकी इस फिल्म की वाइड ओपनिंग 164 करोड़ थी, जो तीसरे नंबर पर है। और भाई लियो की ओपनिंग पठान और जवान से ज्यादा है। हैरान होना कि साउथ आखिर ऐसा क्या कर रहा है। जाके गूगल करो टॉप 10 ओपनिंग मूवीज, तो आपको प्रभास का नाम 4 से 5 जगह दिखेगा। और सलार को बनाने में प्रशांत नील ने KGF से ज्यादा मेहनत की है और स्टोरी भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिल्म KGF से जुड़ी है। तो ऐसा कहने की शाहरुख खान की डंकी प्रभास का करियर खत्म कर देगी बिल्कुल बेवकूफी भरी बात होगी।